सनम जहां, तुम परेशान लग रही हो। पाशी, मैंने आरफा के कहने पर मुस्कान को दोबारा वो पुड़ियां दी, मगर वो फिर भी बच गई। दोबारा? मैंने तो तुम्हें दो पुड़ियां दी थी, तुमने दोबारा कैसे कोशिश की? पाशी, वो मैंने तेरे डेरे से सारी पुड़ियां चुरा ली थी। क्या, सारी पुड़ियां? हाँ, और वो सब मैंने मुस्कान को खिला दी, लेकिन वो फिर भी बच गई। सारी पुड़ियां तुमने मुस्कान को खिला दी, फिर भी वो बच गई? नामुमकिन। नागिन का वार खाली जा सकता है, लेकिन मेरी वो पुड़िया असर ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है पाशी, और आरफा ने मुझे हवेली से निकाल दिया है, और अगर मैं हवेली में ना जा सकी तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा, और अगर मेरा बदला अधूरा रह गया तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगी। तुझे अपने बदले की पड़ी है और यहां मेरी जान पर बनी है। मेरा दिलबर सजना के कब्जे में है, मुझे किताबे हयात हासिल करके उसमें लिखे मंत्रों से दिलबर को वापस जिंदगी में लाना है। अगर वो किताब सजना के हाथ लग गई तो वो पहले दिलबर को हासिल कर लेगी और मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। क्या हुआ पाशी, तुम खामोश क्यों हो? नहीं, सोच रही हूँ कि पहली बार तो हवेली में तुझे भेजा था नौकरानी के रूप में, अब किस रूप में भेजना चाहिए? सोचना तो पड़ेगा ना। सोचना क्या है, फोन करो रमा हरानी को और बोलो जल्दी से घर आए। फरकंदा, सनम हमारे लिए मेहनत कर रही है। कौन सनम? वो मैं सवेरा को प्यार से सनम बुलाता हूँ। देखो फिरोज, तुम उसे प्यार से जो भी कहते हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जितना कर सकती थी कर लिया, अब सारी उम्र का ठेका नहीं लिया मैंने तुम्हें पालने का। अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? अम्मा अब्बा के जाने के बाद जितना कर सकती थी किया मैंने, लड़का बनकर घर चलाया। तुम्हारी शादी के बाद भी अगर यही हालात रहने हैं तो फ़ायदा तुम्हारी शादी का। उसे फ़ोन करो और कहो फौरन से घर आ जाए। हेलो। हाँ फिरोज बोलो। तुम्हारी जान की जान अजाब में है। क्या हुआ है, याद कर रहे हो मुझे? याद तो मैं तुम्हें हर रोज करता हूँ, लेकिन आज तुम्हें फरकंदा याद कर रही है। क्यों? सनम जहाँ, तुम अभी और इसी वक्त घर आओ, फरकंदा सख्त गुस्से में है। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, और जल्दी आना। ये क्या? तुम्हारा सामान, ताकि तुम यहां से चले जाओ। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा तो ये मैं आखिरी बार कह रही, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुस्कान, मैं अब आखिरी राउंड खेलने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे बचा सकती हो तो बचा लो उन्हें। नाइल किसे बचाना चाह रहे हो? अब वो मैं नागिन से घर वालों को, ये मैं यही कह रहा था बाबू से। जिंदगी लेना तो अल्लाह ताला के हाथ में भाई, लेकिन अब हमें कुछ वाकई करना पड़ेगा इससे पहले कोई मजीद नुकसान हो जाए। तैयारी कर ली? वेरी गुड वेरी गुड।
अब हम चलते हैं, अम्मी जान से, डैड और दादी से मिल लो, फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं। नहीं ना, बैठो। क्यों भाई, क्या हुआ? वो इसलिए रायान, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। इस वक्त तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत मुश्किल आ गई, और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी इस मौके पे मदद करूं। जब तक इस घर से नागिन पकड़ी नहीं जाती, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोस्त हो तो तेरे जैसा हो। वो क्या है ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, दोस्त हमा यारा जन्नत, हमा यारा दोजख। वाह, चल मुझे फख्र है कि तू मेरा दोस्त है। सीरियसली, शुक्रिया। अब काफी लेट हो गया, कमरे में जाओ, रेस्ट कर। ओके, सी यू। तेरी शक्ल से लगता है कि किसी मुसीबत में है तू। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ, बोल, क्या बात है? तूने नायल को दोबारा हवेली भेज दिया। देखो उसका, अगर तू हमारा काम नहीं करेगी तो फिर हमें खुद तो कोशिश करना ही होगी ना। लेकिन मैंने तुझसे वादा कर रखा है कि खजाना तुझे मैं ला कर दूंगी, तो फिर नायल को दोबारा भेजने का मकसद? मकसद तुझे बता तो दिया है। देख सजन, मैं 2 से 3 बार नायल की जान बचा चुकी और उसने जिया और असल नायल को मार दिया है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये ना हो मैं गुस्से में आ जाऊं और उसे जान से मार दूं। बेहतर यही है कि तू नायल को वापस बुला ले। ठीक है ठीक है, तू फिक्र ना कर, मैं नायल को आज ही यहां बुला लेती हूं। बहुत शुक्रिया। और कुछ? कासू, कासू, मेरे रश्के कमल, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमल, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। बहुत खूब। कासू, नायल का नंबर मिला। मालिक, नायल का नंबर बन जाए। ठीक है, एक काम कर, हवेली जा, नायल को जाकर हमारा पैगाम दे कि उसे हमने यहां बुलाया है और उसे
हवेली में कैसे आए? तुम मुझे इंसान नहीं लगते, कोई हवाई मखलूक लगते हो। इसी वक्त चलो मेरे साथ। जो मालिक होगा। हो गई नायल से बात? नायल खिड़की से चला गया। ठीक है, चल जा अब यहां से। बहुत शुक्रिया मुस्कान, तुमने मेरी जान बचाई। जो हो गया सो हो गया, अब जाए यहां से। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तेरा काम हो गया ना, अब निकल यहां से वरना मारा जाएगा। गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो।
लगता है वो कुबड़ा चोर भाग गया। तारे, अंदर इश्फाक साहब को इस कुबड़ा चोर के बारे में मत बताना, हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। चलो। तारे, तुमने यहाँ किसी को भागते हुए तो नहीं देखा? जी, एक लंगड़ा कुबड़ा सा आदमी। वो कहाँ है? वो साहब जी, वो दीवार फलांग के निकल गए। अरे निकम्मे हो यहाँ पर, आओ मेरे साथ चलो, पकड़ो उसे। साहब जी, वो कुबड़ा चोर भाग चुका है। अंधे हो तुम? सो रहे थे? ऐसे ड्यूटी करता कोई? तुम्हारे होते हुए वो अंदर कैसे आया? निकला यहीं से साहब जी, गया यहां से नहीं। मेरा यकीन कर लो, मैं सारी रात ड्यूटी पर था। फिर कहां से दाखिल हुआ? लगता है वो हवेली की पिछली तरफ से दाखिल हुआ था। होश से आंखें खोल कर ड्यूटी करो, मैं तुम लोगों से सुबह बात करूंगा। मालिक, आज नाइल के चक्कर में मैं मारा जाने लगा था, वो तो मुस्कान ने बचा लिया मुझे। अब बच गया ना? चुप कर, हमने नाइल से बहुत जरूरी बात करनी है। नाइल। जी सजना। तुम्हें मुस्कान चाहिए ना? और हमें खजाना। जी जानता हूं। तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था, मुस्कान आई थी तुम्हारी शिकायत लेकर। वो कह रही थी कि तुमने उसको धमकी दी है कि तुम हवेली वालों को मार दोगे। गलती होगी सजना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नाइल, जान तो तुम्हें लेनी ही होगी। किसकी? जैसे ही मौका मिले वजाहत को मार दो। ठीक है सजना, तेरा ये काम कल ही हो जाएगा। शाबाश नायल, शाबाश। ये खुशखबरी कल तक हमें मिलनी चाहिए। ठीक है सजना। मालिक, दाजी के मरने से मुस्कान को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि दाजी मुस्कान से बहुत मोहब्बत करते हैं। जानते हैं, दाजी ही सबसे बड़े हामी हैं मुस्कान के। जब रयान मुस्कान के खिलाफ हो गया था ना, तो दाजी ने ही मुस्कान की हिमायत की थी, सब जानते हैं। मालिक, ऐसे तो मुस्कान को बहुत तैश आएगा। अरे कासू, तैश ही तो चढ़ाना है। हाँ, मगर क्यों मालिक? बताएंगे, जरूर बताएंगे तुम्हें, अभी नहीं। तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। चल, कोई अच्छा सा गाना सुना हमें। होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए
चेहरे हजार होना था प्यार। और फिर वो गायब हो गया, तो तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? अब्बा जी, जैसे ही मैंने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, जैसे मेरे हाथों में ताकत ही खत्म हो गई। और फिर जैसे ही कुव्वत बहाल हुई तो अजीबोगरीब सा इंसान गायब हो चुका था। अजीबोगरीब क्या मतलब? अरफा, बहुत ही अजीबुल खलकत किस्म का इंसान था। बड़ी बड़ी सब्ज आंखें, कुब निकला हुआ, मुझे तो वो कोई छलावा लग रहा था। छलावा? नहीं नहीं इश्फाक, वो जरूर कोई हवाई चीज होगी जो एकदम आंखों से उछल हो गई। नहीं आरफा, वो जरूर कोई चोर होगा। दाजी, अगर वो चोर था तो चोरी तो उसने कुछ की ही नहीं। यही तो परेशानी की बात है कि अगर चोर था तो चोरी करके क्यों नहीं गया? तुमने कहां देखा इश्फाक? नायल के कमरे के बाहर। बड़ी अजीब सी बात है, लगता है हवेली में हर तरफ मौत मंडला रही है। मौत। उसको जाते हुए कैमरे ने एक्सपोज किया है, कल सुबह इसकी फुटेज देखेंगे और फिर तस्वीर बनाकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। चलो अरफा, सुबह ही कुछ करते हैं। अच्छा अब्बा जी, आप आराम कीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। नायल को किसी भी तरह इस हवेली से निकालना है, सनम जहां से जान छूटी तो नायल आ गया। मैं नायल से ताकत में बहुत ज्यादा हूं, जब चाहूं नायल को मार दूं, मगर मैं अपनी जात, अपनी कबीले के इच्छाधारी को नहीं मारना चाहती।
मैंने फैसला कर लिया, मैं मुसीबत की इस घड़ी में रायान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, दोस्ती हो तो ऐसी ही हो। लेकिन नायल, अगर तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया तो? अव्वल तो कुछ होगा नहीं, और अगर कुछ हो भी गया तो यार पे जान कुर्बान हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तुम्हारा ये जज्बा देखकर दिल बहुत खुश हो गया। अच्छा है, हम सब मिलकर उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेंगे और उसका हन को चल लेंगे। दाजी नजर नहीं आ रहे। दाजी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं नायल ने दाजी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। मैं जरा दाजी के पास जा रही हूँ, उनसे पूछने कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं गरम गरम चाय लाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? सनम जहां को आवाज दो। सनम जहां? हाँ सनम जहां, ये उसी का काम है। वो मैंने उसे निकाल दिए। उसे क्यों निकाल दिया मिचा? बदतमीजी करती थी और चोरी भी करने लग गई थी, और वैसे भी महक ने उसे काम पर रखा था, मुझे तो एक आंख ही भाती थी वो। इसका मतलब है नाग राजा इस दुनिया में आ गया, बहुत तबाही मचाएगा, बहुत जालिमाना हरकतें करेगा। ईरान, मंगूर, शद्दाद की यात्रा रख रहे।